1965 की एक फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय भट्ट जी ने और प्रोड्यूस किया था शंकर भाई भट्ट ने। फिल्म को लिखा था वीरेंद्र सिन्हा ने और फिल्म की कास्ट हिमालय की गोद में बिल्कुल म्यूजिक बाय कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म को फिल्म फेयर में बेस्ट मूवी अवार्ड मिला और इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए शशिकला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार। मनोज कुमार कैसे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने ये किस्सा गौर से सुनिएगा। इनके बुआ जी के लड़के लेखराज भाखरी ऑलरेडी फिल्मों में थे। जब वो अपनी एक फिल्म टांगे वाली के प्रीमियर के लिए दिल्ली आए थे तो उन्होंने मनोज कुमार को देखा और कहा यार तू तो हीरो लगता है। मनोज कुमार झट से बोले तो बना दो हीरो। भाखरी साहब ने कहा हीरो बनने के लिए बंबई आना पड़ेगा। तो मनोज कुमार जी सटक लिए बंबई को। एक के बाद एक दिन निकलते चले गए। दिन निकले, हफ्ते निकले, महीने निकल गए, मगर लेखराज भाखरी ने उनसे कोई बात नहीं की फिल्म के रोल के लिए या किसी फिल्म के ऑफर के लिए। मनोज कुमार की हिम्मत भी नहीं होती थी कि पूछ लें कि भाई कब बना रहे हो हीरो या बना रहा है तो बनाओ वरना मैं चला दिल्ली। इसी कश्मकश में गुजर गए 6 महीने। अब सब्र का पैमाना छलकने लगा। 6 महीने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और भाखरी साहब से पूछ ही लिया मैं फिल्मों में कब काम करूंगा। लेखराज भाखरी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, धुली हुई उजली सी पैंट, धुली धुली शर्ट, चमकते हुए जूते। लेखराज भाखरी बोले अभी तो तुम्हारा एक जूता तक नहीं घिसा है, यहां तो लोगों की जिंदगियां घिस जाती हैं हीरो बनने के लिए। लेखराज जी से ऐसा जवाब सुनकर मनोज कुमार चुपचाप हो गए और उसके बाद उन्होंने ये पूछा नहीं कि मुझे कब हीरो बनाओगे। इस वाकये के कुछ वक्त बाद ही लेखराज ने उन्हें अपनी एक फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दिया, मगर ये रोल बिल्कुल फैशनेबल नहीं था। पूछिए क्यों? क्योंकि एक नौजवान मनोज कुमार को उनके बुआ जी के लड़के लेखराज भाखरी ने जो रोल दिया वो था 90 साल के भिखारी का। ये पहली बात तुमने बहुत अच्छी बात की, ये तुम हैंडसम लगते हो, पहला ब्रेक दूंगा 90 साल के भिखारी का। मगर इस रोल के बाद लेखराज ने मनोज कुमार को अपनी 2 फिल्मों में काम दिया, 3-3, 4-4 मिनट के छोटे छोटे रोल। ये रोल करते करते उन्हें अभी एक ब्रेक की तलाश थी। प्रॉपर रोल उन्हें दिया एचएस रवेल ने, राहुल रवेल के फादर ने। फिल्म थी कांच की गुड़िया। उसके बाद किस्मत मुस्कुराई जब उन्हें विजय भट्ट ने मौका दिया और हीरो बना दिया उस फिल्म में जिसका नाम था हरियाली और रास्ता। ये फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता और इसके बाद फिर मनोज कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत कामयाब फिल्में दी हैं और कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कहलाए वो। मगर बात चल रही है 1965 की फिल्म हिमालय की गोद की। बहुत फिल्म हिट हुई थी उस जमाने में। नेट ग्रॉस तकरीबन 5.5 करोड़ का किया था, 5.5 करोड़ का बिजनेस किया था। आप समझ लीजिए कि 48 साल पहले के 5.5 करोड़ रुपए बहुत बहुत मायने रखते थे। एक एक्टर जिसका एक पर्टिकुलर फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, मगर इस पर्टिकुलर फिल्म की वजह से ही उसे अपना नाम चेंज करना पड़ा। नाम चेंज करके ये एक्टर बन गया हिंदुस्तान का सुपरस्टार। कौन था वो, कौन थी फिल्म, क्या घटना थी, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।